एक एक ठन क्यों तुम ये सब काम कर रहे हैं? दो ठन है, ये तमाशा दिखाने नहीं, तमाशा ये भी नहीं रहा। शक्कर तेल क्या नहीं मिलता यार, सब सब तो मिलता है। कुछ होते हुए आप लोग ये सब क्यों करते हो? काहे के लिए करना है सब काम बताओ? 100 दिन का मनरेगा का काम है, मजदूरी लगता है, मेहनत लगता है ना, और इसमें क्या बस उठाओ आपका घर बन जाता है। बात किए थे जो पिछले बार आप बोले थे नेता को लिख के दोगे, दिए उसको लिख के? आप पिछले बार बताए थे ना कि आपका पार्षद है कि कौन है, उसको लिख के दोगे आपका घर मकान के लिए? अब योजना तो देखो बाबू जी, अंधविश्वास में कमाई ज्यादा ज्यादा है ना, अंधविश्वास में कमाई ज्यादा है। इसके लिए ये देखना सर, अगर ये ना रात भर पानी में डुबा देना, रात भर पानी में डुबाए इसको निकाल के घर में हल्का हल्का छीन देना, एक ठन मूसा छिपकली चूहा तक आ नहीं सके सर, तो एकड़ भर जमीन लेके हो अभी पानी में भिगा के मैं इसमें छिड़क दूं, आपका सांप भाग जाएगा पक्का, और नहीं भागाना देखना। नहीं 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 सर, रात भर डुबा के नहीं, मैं इसको अभी भिगा के आपका सांप पे छिड़कता हूँ, नहीं भागाना सांप देखना, फिर भग जाएगा सर। आप बेवकूफ बनाते हो यार। नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, ठीक है अभी यार उनको बता। हाँ हाँ सर, अभी ये सब मत लिया करिए, किसी काम का नहीं है मैम ये सर। नहीं काम देते हैं, माल है और उसको सुखा के बस उसका मात देते हैं, काम देते हैं माता। दादा भीख मांगना है ना तो ऐसे बोल के मांगो कि मेरा पेट नहीं चल रहा है, मेरे को दे दे दो, झूठ बोल के मत भीख मांगो, पैर मत छुओ मेरा। नहीं छूंगा, रहने दो रहने दो, बाप तो तुम हो ना, मेरे माँ बाप तुम हो, आप बड़े हो पैर मत छुओ। नहीं मेरे माँ बाप तुम हो, आपका छोटा बच्चा है, इसको स्कूल भेजो, पढ़ाओ लिखाओ। ये आपको चौथी बार हम लोग एक महीना में बताओ। बाबूजी एक कान पकड़ दे, देख तो उससे क्या फर्क होगा, उससे क्या फर्क होगा? कान पकड़ लिए आपका, इससे पहले हम लोग ले लिए, आपके पास आ कहाँ से रहा है अपने को वो जानना है, इसलिए बैठो अभी आराम से बैठो। हाँ बाबू है ना, आराम से बैठो, और कहाँ से आपके पास सांप आ रहा है, कौन है आपका वो दोस्त गीदम है जो लाल आके दे रहा है, बताइए उसको। हाँ नाम आप नहीं बताओगे छूटोगे नहीं आप, है ना? हाँ गीदम वाला कौन है जो आपको सांप दे रहा है? वो मदारी लोग, वो बिन बजाने वाला, वो भी बाहर से आए हैं ना? हाँ बाहर, ओमन तो काय गुजरात की कहाँ के कथे ओमन। आप कौन जिला के? महासमुंद। हमन महासमुंद, तुम गांव घर। सुबह उठते हैं मुंह धो के पी लेते हैं, उसी से मुंह धोते हैं, उसके बाद निकलते हैं, उसी से मुंह धोते हैं। नहीं एक ही थोड़ा कम उम्र होता ना, अभी मुंह से बात नहीं होता आपसे। बैठो दादा बैठो, ठीक से बैठो। एक सर आ रहे हैं। बस स्टैंड में मेरा नाम लाल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वन विभाग के लोग पहुंच चुके हैं। नमस्कार। और यहाँ पे सपेरे जो है वो बैठे हुए हैं। सोमवार को ही सर इनसे लिए थे और उनकी उस समय इनके पास एक भी नहीं था, अभी आज फिर इनके पास आ गया और बता रहे कोई गीदम का आदमी है जो देता है इनको। ये पांचवी बार है सर। अब आप लोगों को मैं सीधे लेके जाता हूँ। नहीं ये सब मत करो दादा, ये सब नहीं करो आप। दादा ए दादा ये मत करो, ये मत करो भैया, आपका जान है उनका भी जान है, एक एक उसको मेरे को दे दो। दोनों बात आपका तो नहीं रहेगा रहे ना, या तो आप छूटोगे साथ और नहीं तो सांप को नहीं तो आपको, या फिर मैं आपको ऑफिस लेके जाता हूँ, कार्रवाई हो जाएगी, उसको दे दो फिर। हाँ पांच दे दो, दे दो दे दो ठीक है, पूरे डब्बे के साथ ले लो, साथ में चलो फिर उसको दे दो। दादा पीछे रहो आप, हाथ मत लगा लगाओ। नहीं बाबू जी ये हालत खराब है सर, देखो खत्म है सर, इसके पास कुछ ही नहीं बाकी सर। और इसमें नहीं वो खाली डब्बा है सर। बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है वो। और उसमें नहीं वो जड़ी बूटी मने बेवकूफ बनाने का सामान है सर। लाओ उसको।
सर उसी के साथ ले जाओ, नहीं तो फिर उसमें भरेंगे फिर ले लेंगे। पूरा जब्ती करो। देखो दादा आप अपने हाथ से दो, आप अपने हाथ से दो, आपको ऑफिस में बिठाई बिठाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो कागज ले आओ यार, इस बात पर तो फिर चलो। देखो दादा आपका उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम लोग सब, सर भी सर। बैग है ना सर, बैग है ना, बस ले जाना पड़ता है ना उसको, वो सब की नींद ना। ये तो बेकार, आपके ऊपर कागज बनाऊंगा, कार्रवाई हो जाएगा, फालतू आप काम मत करो। नहीं मत बनाओ, मत करो, सीधा रहो, सीधा सीधा बैठो, बैठो आप, बैठो बैठो आप। बाबू बोल देना, ए बाबू समझा दे, समझा सांप दे दे बोल दे। बोल दे, दे दो, बता दे, बता दे पिताजी, दे दो, बोल दे, बोल दे, जेल हो जाएगा, वो तो छूटेगा लेकिन उनको जेल हो जाएगा। अरे मैं बुला लेता हूँ, सामान उठाओ, चल आपका सामान पूरा जब्ती हो जाएगा। मार ले बाबू, सामान उठाओ, मारना का होता तो मार दे, उम्र का ही लिहाज हो रहा है। हिम्मत करो, मत करो, मत करो, वजन कितना होगा वो मेरा दिखाओ ना, नहीं ले जाऊंगा यार बाबू जी, मारना मैं मारने का होता देखी जापान में, छोड़ दे चल, नहीं तो चल आप चल, पकड़ सामान, पकड़ चल यार सामान, पकड़ चावल भी नहीं मिलेगा, नहीं जाऊं बाबू, सामान पकड़, नहीं जाऊं बाबू, देश को दे सामान, नहीं जाऊं बाबू जी, दे यार उसको, काहे के तकलीफ उठा रहा है यार तू, नहीं जाऊं बाबू जी, इधर 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 देख। अरे थाना वाले आएंगे उठा के ले जाएंगे दादा, समझो बात को, अरे उठा बाबू उसको, पिताजी को उठा सर, समझा भाई अपने पिताजी को, पता नहीं उठा उठा क्या मतलब, उठा उठा उनको उठा, पुलिस आएगा मारपीट करेगा तो अच्छा लगेगा। हाँ सर आई, सुन मेरा बात, सिर उठा बात करना, हो हो जब इसको तू पकड़े रहेगा ना तू जेल जाएगा फालतू का, मैं बता रहा हूँ, उम्र भर रहेगा तो ये सब चीज कर भी नहीं पाएगा। हाँ तो उसी की बोल रहे हैं, दे दे अपने आए गए अब सर, अरे दादा थोड़ा पीछे दे, देख लो साहब साहब आ गए, तुम जानो बाबू जी, लोग आ गए तुम जाना सर, बढ़िया सर, कहाँ का बढ़िया, ऐसे लोग रहेंगे अपन बढ़िया नहीं रह पाएंगे। उठा लो, उसको पकड़ोगे दादा तो फिर जाओ जाओगे आप अंदर, दे दो चुपचाप, क्यों तुम ये सब काम कर रहे हैं, एक जन है दो जन है, तमाशा दिखा रहे हैं, नहीं नहीं ये भी नहीं रहा, मत करना उसको, छोड़ो ना तब बोल तो रहे हैं आप, छोड़ दो रे दादा, मांग रहा हूं आप ऊपर से निराश कर रहे हैं आप, समझ समझ नहीं रहे, देखो वाला केस लगेगा ना, जमानत भी नहीं होगा, कोर्ट से होगा, हम राजीनामा भी नहीं करते हैं उसमें, है ना।
करते रहूंगा कि आजकल बेटा समझा पिताजी को अपने सोमवार को पूरा खाली हो गया कुछ नहीं है सर, दो तीन दिन में देखे तोड़ दिए, ये निकाल पूरा निकाल निकाल प्लस ये लोग चिपका भी दे देते हैं व्यू डाल डाल देखो जबरदस्ती मत करवाओ फिर, है ना, फालतू में फिर दिमाग मत खराब, समझ नहीं चीज खराब हो जाएगा, नहीं पढ़ इसका नाम वो भी लिखो, दिखना नहीं चाहिए आदमी को, पूरा सामान ले जाऊं बेटा, कुछ नहीं पिताजी को समझा, दिक्कत उन्हीं को होगा, वो अपने लिए खुद दिक्कत बना रहे हैं, जैसे आंध्र वाले लोग मनाए रहे मांगे रहे, तुम दिखना नहीं है, तुम जाओ कहाँ के हो, हमारे महाशय वो कुछ भी नहीं कर पाएगा सर, अब ये सिर्फ प्योर रबर का साथ था, पैसा ले जाओ तुम अपना दे दो।